ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए फेस का शनिवार को सीएम आवास पर वर्चुअल लोकार्पण किया। सितंबर 2019 से चल रही केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य सरकार ने नए प्रावधानों के साथ नया नाम देकर रिलॉन्च किया है। गहलोत सरकार द्वारा लॉन्च की गई इस योजना में अब बीमा राशि बढ़ाई गई है, जिसके तहत इलाज की सीमा 3.30 लाख सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। वहीं सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। बता दें, योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ साथ इसे अटैच निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। यही नहीं, गहलोत सरकार द्वारा आज से लागू की गई इस योजना के तहत अब अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज से 15 दिन बाद तक का मेडिकल खर्च भी मुफ्त पैकेज में शामिल किया गया है। इसके लिए लाभार्थी को अस्पताल में योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड या जनाधार कार्ड दिखाना होगा। प्रदेश सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य बीमा योजना में सालाना 1.10 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। योजना पर सरकार हर साल 1400 करोड़ रुपए वहन करेगी। योजना के नए फेस में 1401 की जगह 1572 पैकेज शामिल होंगे। कुछ समय बाद इंटर स्टेट प्रोबेबिलिटी भी शुरू करने की तैयारी है, जिससे अन्य राज्यों में भी मुफ्त इलाज करवाया जा सकेगा। आपको बता दें, राजस्थान में केंद्र की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू करने की जगह राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई है। सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि केंद्र की बीमा योजना अगर लागू करते तो सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 में शामिल 60 लाख परिवार ही पात्र होते। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र 98 लाख परिवार है। राजस्थान सरकार ने केंद्र की योजना में पात्र लोगों के साथ खाद्य सुरक्षा के पात्र लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ा है। राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना दोनों के पात्रों को शामिल किया है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इस योजना की जानकारी घर घर तक जानी चाहिए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। गरीबों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। कोरोना में भिलवाड़ा मॉडल बना, वैक्सीन में भी काम कर रहे हैं, पहला सुख निरोगी काया पर काम कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह स्वास्थ्य बीमा का राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू करे। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, काफी कठिनाइयां हैं। ऐसे हालत में हम चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पहले भामाशाह योजना चलती थी और केंद्र की आयुष्मान योजना थी, अब हमने इसे मर्ज कर दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि ये स्कीम स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। इस योजना में कोरोना भी शामिल किया गया है। पैसा भले ही इसमें ज्यादा लगे, लेकिन 1.10 करोड़ परिवारों को इसमें जोड़ा गया है। डायलिसिस भी इसमें शामिल किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आम आदमी को लाभ मिलना चाहिए। इस दौरान सीएम गहलोत ने बताया है कि केंद्र सरकार ने हर लाभार्थी का प्रीमियम 1052 रुपए की सीमा तय कर दी है। केंद्र सरकार इतना ही पैसा देगा। राज्य सरकार की बीमा योजना में प्रीमियम प्रति लाभार्थी 1600 रुपए आ रहा है। प्रीमियम का जो गैप है उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपए का लगभग 80% प्रीमियम जो 1400 करोड़ के आसपास है वह राज्य सरकार वहन करेगी। नई बीमा योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, हमने स्टडी करवाई थी। आज जो केंद्र की स्कीम चल रही है वह पहले आंध्र प्रदेश में चल रही थी, उसमें कई गड़बड़ियां थी, इसलिए हमने उसे लागू नहीं किया। पहले भामाशाह योजना में भी खूब गड़बड़ियां सामने आई थी। एंटी फ्रॉड यूनिट कई स्तर पर निगाह रखेगी। योजना में 2 साल पुराने अस्पतालों को ही इंपैनल किया गया है। जिला और राज्य स्तर की कमेटी मिलकर अस्पताल का चयन करने का प्रावधान किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।